कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राधास कुलिनरी। आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद ही आसान नाश्ता, सूजी के टोस्ट। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो चीज चाहिए पहले हम उनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये एक कप सूजी ली है, हाफ कप दही है, हाफ कप हरी प्याज है, हाफ कप मटर है, हाफ कप शिमला मिर्च है, हाफ कप गाजर है, 1/3 कप हमने यहाँ पर प्याज ली है चॉप की हुई, एक हरी मिर्च है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है ग्रेट किया हुआ, थोड़ी धनिया पत्ती है, 1/2 TSP काली मिर्ची पाउडर, थोड़े से काजू है, 1/2 TSP लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, 1 TSP राई और 1 TSP हमने यहाँ पर सोडा लिया है खाने में। यहाँ पर हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें सूजी डाल देंगे, दही ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम इसमें जितनी हमें दही ली है, 1/2 कप दही ली है, तो 1/2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, पानी भी ऐड कर देंगे, कुछ इसे मिक्स कर देंगे। अब इसको हम 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम कढ़ाई लेंगे, अब इसमें हम 1/2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं, 2 TSP डाल रही हूँ यहाँ पर मैं, और इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम राई डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे इसमें राई के साथ ही। यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा सोते करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसमें हम गाजर डाल रहे हैं, साथ ही हम मटर ऐड कर देंगे। मटर मैंने यहाँ पर छोड़ दी थी पानी में ब्लांच कर ली थी 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ चॉप की हुई, साथ ही इसमें हम काजू डाल देंगे और हम 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें मैं, बारीक कटी शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर फिलिंग हमारी तैयार हो गई है अच्छे से। गैस की फ्लेम हम ऑफ करेंगे, उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर बैटर को 15 मिनट हो गए हैं। अदरक डाल रहे हैं कद्दूकस किया हुआ, काली मिर्ची पाउडर, धनिया पत्ती और हमारे हरी प्याज हैं उसको हम ऐसे ही डालेंगे, कच्चे डाल रहे हैं। यहाँ पर मिक्स करेंगे सबको अच्छे से। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, अब यहाँ पर हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और इसमें अब हम हमारी सब्जियाँ थी वो ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे सबको। अब इसमें हम सोडा ऐड कर रहे हैं खाने वाला, इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम एक सैंडविच मेकर ले रहे हैं, टोस्टर हर घर में इजीली मिल जाता है। गैस की फ्लेम हमने ऑन कर दी है, अब इसमें हम मक्खन से इसको ग्रीस कर देंगे। अब इसको हमने ग्रीस कर दिया है, अब इसमें हम जो हमारा सूजी का बैटर था उसको ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे हम। और अब इसको हम ऐसे कवर कर देंगे, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको सिकने देंगे। तो हम इसको पलट देंगे और ऐसे ही पलट कर हम इसको दूसरे साइड से भी सिकने देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे खोल के, ये देखिए हमारा टोस्ट तैयार हो गया है, इसको हम निकालेंगे। ये हमारा एक टोस्ट तैयार हो गया है, ऐसे ही हम दूसरा टोस्ट बनाएंगे। अब एक और बनाते हैं हम। यहाँ पर हमने इसको फिर से ग्रीस कर लिया है, फिर से बैटर डालेंगे हम इसमें, अच्छे से स्प्रेड करके फिर से इसको हम कवर कर देंगे और इसको सेकने देंगे लो टू मीडियम गैस पर। तो हमारा सेकंड टोस्ट भी बनकर तैयार है, इसको चेक करेंगे ऐसे ही पलट के दूसरी साइड से भी देखेंगे, इसको भी हम निकाल देंगे ऐसे ही। बाकी के टोस्ट भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे टोस्ट तैयार हो गए हैं बिल्कुल। अब हम इनको बीच से कट करेंगे। देखिए टोस्ट हमारे तैयार हो गए हैं, बाकी के पीस भी हम ऐसे ही कट करेंगे। यहाँ पर हमने सभी टोस्ट को कट कर दिया है, हम इनको सर्व करेंगे। यहाँ पर हमने प्लेट ली है और हम इनको इसमें अरेंज कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सूजी टोस्ट बनकर तैयार हैं। बनाने में बेहद ही आसान है और जल्दी बन जाते हैं, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट में शेयर करके बताइएगा कि आपको ये सूजी टोस्ट की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।